हाँ साइड में जाओ जाओ तुम लोग सुशीला बढ़ो ना आप लोग चलिए धीरे धीरे भीड़ हो जाएगा। सारे स्टाफ इस तरह से कतार लगा करके भीड़ लगा करके उनके स्वागत में खड़े हैं। तमाम जिला के वेलकम वीडियो और अभी दीप प्रज्वलित करके इनका स्वागत किया गया और बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते इनके सम्मान में और आप आ रहे हैं। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह पुनः दोबारा सीतामढ़ी के डीएम बनाए गए। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी जिले से हजारों की तादाद में लेटर्स ईमेल्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए और लोगों ने रिक्वेस्ट किया। लोगों को ऐसा लगा कि उनके चहेते डीएम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जिला के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और लोगों के प्यार या फिर लोगों के ईमेल्स खत ने मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि मुख्यमंत्री ने इन्हें फिर से यहाँ वापस किया है और आप फिर से सीतामढ़ी में नौजवान युवा दिलों के धड़कन आ चुके हैं। हम इनसे बाद में बात करेंगे। हम और आप समझाना नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा कि डीएम साहब डीएम एम चंद्रदू के पास गए हैं चैम्बर में मिलने के लिए और वही मैं आपको बताऊं कि अभी जो तत्काल वर्तमान डीएम है एम चंद्रदू इन्होंने भी बहुत शानदार काम किया सीतामढ़ी में। इलेक्शन जो कराए हैं इन्होंने बहुत शानदार और बेहद शांतिपूर्ण माहौल में इन्होंने सीतामढ़ी का पूरा इलेक्शन करा दिया। किसी भी तरह के कोई हंगामे नहीं हुए कोई फसाद नहीं हुआ और पूरा इलेक्शन खुशी खुशी के साथ बीत गया और जबकि 59% मतदान भी हुआ है। आज डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सीतामढ़ी में पुनः वापस लौट चुके हैं डीएम के रूप में और बहुत सारे लोग स्वागत में उनके लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हम चलते हैं लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से? जी आप लोग कहाँ से? जी सीतामढ़ी में डीएम साहब का बेहद स्वागत किया गया है इसलिए काम किया। अब मन लग रहा है कि मास्टर लोग नींद का चैन उठ गायब हो जाएगा डीएम साहब के आने से। तो कहना है कि डीएम साहब के आने से मास्टरों की नींद और चैन उठ जाएगी। टेंशन नहीं होगी रहेगी, उन्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी और वो ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी के दुश्मन है या फिर वो किसी को सताना चाहते हैं। तमाम लोग प्यारबद्ध तरीके से इन्होंने तमाम लोगों ने सीतामढ़ी के सैदपुर टोल प्लाजा से डीएम साहब को रिसीव किया है। मैं समझता हूँ कि 500 से हज़ार लोगों की तादाद में लोगों ने उनके डीएम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सीतामढ़ी में आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 500 से हज़ार लोगों के बीच में लोग वहाँ सीतामढ़ी के बॉर्डर टोल प्लाजा पर गए थे और डीएम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह को पुनः रिसीव करके सीतामढ़ी ले आए हैं। मैं आपको बताऊं कि लगभग सैकड़ों ईमेल्स और लेटर्स जो है मुख्यमंत्री को भेजा गया था उन्होंने डीएम कुमार सिंह को बुलाने के लिए। सीतामढ़ी पब्लिक ने डीएम साहब को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत सारे ईमेल्स किए थे लेटर्स लिखे थे। लोगों ने लिखा था कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एक बेहतर आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए उन्हें पुनः दोबारा यहाँ वापस किया जाए। जबकि डॉक्टर डीएम अभी वर्तमान डीएम जो अभी अभी इस वक्त प्रभार में है एम चंद्रदू उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से सीतामढ़ी में काम किया है। सीतामढ़ी का जो इलेक्शन गुजरा है ये बेहद शानदार तरीके से उन्होंने इलेक्शन को गुजारा है और पूरे इलेक्शन को शांतिपूर्ण माहौल में गुजारा है। इलेक्शन शांतिपूर्ण रहा तो इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जीवन में सरकारी नौकरी में ट्रांसफर और पोस्टिंग तो लगे रहते हैं, आना और जाना लगा रहता है। बस ये है कि लोग अपने काम से अपनी छात हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जी हाँ ये किस तरह से देखते हैं कहाँ आया जी सर के आने की कोशिश में आया है कि नहीं आए सर बहुत काम कर गए हैं इसलिए हमारे स्कूल विद्यालय वाले काम था ये कराता है
एक दिन में 7 बजे शाम को एक सारे जगह फोन कर कर हमारा काम कर दिए, इसलिए खुशी के मार से सबसे दर्शन कर लिया है। बच्ची लोग आते हैं कहाँ आई थी? कहाँ आई थी? क्या स्वागत करने आई थी डीएम साहब का? स्वागत मिल ली आप लोग? कैसा लगा आप लोग? क्यों मिल नहीं आई? क्या लगता है डीएम साहब? बोली पूछिए। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग डीएम साहब के पुनः आगमन पर? बहुत अच्छा, हम तो बधाई उनको दिए हैं ना। आप बधाई दी हैं? बधाई दी हैं। तब तो आप लोगों पर और सख्ती हो जाएगी, सारे स्टाफ पर और सख्ती हो जाएगी? नहीं है, है मजबूती है उनमें तो है ना। तो सख्ती कम महसूस कर रही थी क्या? हाँ हाँ, सख्ती कम महसूस कर रहे थे स्पष्ट बात। तो आप अब ज्यादा सख्ती हो जाएगी, अब नजर में रहना है। तो आप तमाम लोग समाहरणालय की स्टाफ हैं, महिला स्टाफ हैं, आप लोग काम करती हैं, और इन लोगों का कहना है कि जब गार्जियन मजबूत होगा, टाइट होगा, तो हम लोग कुर्सी पर ज़्यादा देर तक बैठेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग डीएम साहब के पुनः आगमन पर? बहुत अच्छा, हम तो बधाई उनको दिए हैं ना। आप बधाई दी हैं? बधाई दी हैं। तब तो आप लोगों पर और सख्ती हो जाएगी, सारे स्टाफ पर और सख्ती हो जाएगी? नहीं है, है मजबूती है उनमें है ना। तो सख्ती कम महसूस कर रही थी क्या? हाँ हाँ, सख्ती कम महसूस कर रहे थे स्पष्ट बात। तो आप अब ज्यादा सख्ती हो जाएगी, अब नजर में रहना है। तो आप तमाम लोग समाहरणालय की स्टाफ हैं, महिला स्टाफ हैं, आप लोग काम करती हैं, और इन लोगों का कहना है कि जब गार्जियन मजबूत होगा, टाइट होगा, तो हम लोग कुर्सी पर ज़्यादा देर तक बैठेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सीतामढ़ी के पूर्व डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह फिर से सीतामढ़ी के डीएम बनाए गए हैं, और वो सीतामढ़ी आ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से भीड़ ने भव्य स्वागत किया। मैं समझता हूँ कि लगभग 500 से लेकर 1000 लोगों ने उनका स्वागत सीतामढ़ी टोल प्लाजा से लेकर के सीतामढ़ी समाहरणालय तक किया। और ये तमाम लड़कियाँ आधी आबादी जो दिख रही हैं, ये लोग सीतामढ़ी समाहरणालय क्रिकेट में आईटी सेल में काम करती हैं, और ये भी इन लोगों ने इस थाली में स्वागत किया, दिए लेकर के स्वागत किया। जी हाँ, इस तरह से स्वागत किया है जिस तरह से अपने घर के लोगों को, अपने घर के फर्द का लोग जब स्वागत करते हैं, जो एक रीति है हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, उस संस्कृति में स्वागत किया गया। हम जानते हैं इन तमाम आधी आबादी से कि क्यों चाहते हैं डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, और क्या सोचती हैं उनके बारे में। क्या किया आप लोगों ने अभी? आप लोगों ने हम लोगों ने उनका स्वागत किया आरती के साथ, और जैसे कि हमारी पार्टी चलता है कि मतलब आरती के साथ उनका स्वागत करते हैं, वैसे वो वापस सीतामढ़ी में आया, हम लोगों ने उनका आरती से स्वागत किया। पदाधिकारी के रूप में दिखते हैं या एक गार्जियन अभिभावक के रूप में दिखते हैं? दोनों रूप में दिखते हैं। लेकिन इनके आने से आप लोगों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बनेगा भी तो वो भी सर पॉसिबल होना भी चाहिए। लोग बताते हैं कि डीएम साहब बहुत काम करवाते हैं समाहरणालय में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना काम होता है उतना तो करना ही है, चाहे कोई भी डीएम पदाधिकारी बन गया है तो काम करना ही है। जी, हम लोग रेडी है उसके लिए। अच्छा, तो इनके आप अंदर में जब आप काम करती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, एज लाइक पेरेंट्स टाइप फील होता है कि एक हमारे ऊपर पदाधिकारी के साथ एक पेरेंट्स भी है, गार्जियन है। तो गार्जियन के रूप में आप लोग देखती हैं सीतामढ़ी के डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को, आपको ना लौट चुके हैं। वैसे इन्होंने बताया, मैंने भी कहा कि अभी जो वर्तमान डीएम है, जो आज चार्ज देंगे, वापस देंगे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को, वो भी उन्होंने भी बहुत शानदार इलेक्शन कराए हैं सीतामढ़ी में, बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं।